आईपीएल के चौथे सीजन की नीलामी चल रही थी। देश विदेश के तमाम खिलाड़ी खरीदे बेचे जाने लगे। फ्रेंचाइजी में होड़ लगी अपनी टीम के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को खरीदने की। एक एक कर लगभग सारे खिलाड़ी बिक गए, लेकिन एक खिलाड़ी था जिसे किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। कोई भी टीम इस खिलाड़ी पर दांव लगाने को तैयार नहीं थी, जबकि पिछले दोनों ही सीजन में उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था, लेकिन उस टीम से भी उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। केकेआर ने उसे बाजार में उतार दिया था। वो खिलाड़ी चुपचाप सबको बिकते हुए देख रहा था। उसके मन के किसी कोने में अब भी आस थी कि हो ना हो कोई टीम तो उसे जरूर खरीदेगी। देखते ही देखते नीलामी खत्म हो गई, लेकिन अफसोस इस खिलाड़ी के हाथ आई तो सिर्फ और सिर्फ मायूसी। 2011 के सीजन में उसे किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इस खिलाड़ी ने पिछले दोनों सीजन में भले ही बहुत अच्छा ना खेला हो, लेकिन उसका खेल इतना खराब भी नहीं था कि वो किसी टीम का हिस्सा बनने के लायक ही ना हो। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस नीलामी को मूर्खतापूर्ण नीलामी कहा था। इस खिलाड़ी को भी शायद समझ नहीं आया होगा कि उसके साथ ऐसा सुलू क्यों किया गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसने आईपीएल के खेल को हमेशा के लिए बदल के रख दिया, और इसे बदलने का श्रेय जाता है इस खिलाड़ी को जिसका नाम है क्रिस गेल। 2011 की नीलामी में क्रिस गेल को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बावजूद ये खिलाड़ी उस सीजन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। आप जरूर हैरान हो गए होंगे। असल में आईपीएल के बीच में आरसीबी के तेज गेंदबाज डर्क नेंस चोट के चलते टीम से हट गए, और उनके रिप्लेसमेंट के रूप में जिस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया उसने सबको चौंका दिया। नेंस की जगह टीम में शामिल किए गए क्रिस गेल। एक तेज गेंदबाज की जगह बल्लेबाज को शामिल किए जाने पर हैरानी होना स्वाभाविक थी। वैसे पिछले दोनों ही सीजन में गेल ऐसा कुछ तीर नहीं मार पाए थे जिसके चलते वो बहुत कुछ सुर्खियां बटोर पाते, लेकिन ये गेल वो गेल नहीं था जिसे दुनिया ने पिछले दो सीजन में देखा था। इस खिलाड़ी के अंदर ही अंदर एक आग धधक रही थी, एक ज्वालामुखी फटने को बेताब था, और उसके अंदर की आग को हवा दी पहले ही मैच में उसके खिलाफ खड़ी टीम ने। गेल के सामने थी उसकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। 22 अप्रैल 2011 ईडन गार्डन्स कोलकाता। मैदान खचाखच भरा हुआ था। आज एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था, लेकिन अफसोस पूरी दुनिया अब तक इससे पूरी तरह से अनजान थी। दुनिया देखने वाली थी एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा बदला। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 171 का अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया। आरसीबी से पहले अपने 3 मैच बुरी तरह हार चुकी थी। एक और हार का मतलब था फाइनल तक पहुंचने के रास्ते का बंद होना। वैसे गेल अपने हरफन वाला खेल के लिए जाने जाते हैं। इस मैच में उन्होंने 2 बेहद किफायती ओवर भी डाले जिसमें उन्होंने महज 9 रन दिए। आरसीबी की पारी को शुरुआत करने उतरे तिलक रत्न दर्शान और क्रिस गेल। गेल के बल्ला संभालते ही वो तूफान आ गया जिसने ईडन गार्डन से होते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हिला डाला। गेल का यह रूप देख के केकेआर के गेंदबाज कांपने लगे। उन्होंने सीधे चौको छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। वो एक छोर पर खड़े होकर बल्ला भाजता रहा और सामने खड़े दर्शान के पास उसे और उसके बल्ले से मार खाकर सीमा पार जाती गेंदों को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि गेल ने अपनी पारी की शुरुआत बड़े ही सदैव तरीके से की। पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद तक गेल का बल्ला खामोश रहा, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने अपना पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद तो फिर एकदम से बरस पड़े। यूसुफ पठान के 1 ओवर में 1 छक्का और 2 चौके जड़कर 9वें ओवर में गेल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। इसके लिए गेल ने 30 गेंदें ली। इसके बाद गेल ने सीधे 5वें गियर पर पैर रख दिया। 16वां ओवर खत्म होते होते गेल 51 गेंदों में 9 करारे चौकों और 7 झन्नाटेदार छक्कों की मदद से 97 रन बना चुके थे। साथ में थे विराट कोहली जो गेल के तूफान का आनंद ले रहे थे। आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 13 रन और गेल को अपनी पहली सेंचुरी के लिए चाहिए थे महज 3 रन। जिस अंदाज में गेल खेल दिखा रहे थे उस हिसाब से तो उनकी सेंचुरी एक ही शॉट दूर थी, लेकिन यहाँ आते आते तूफान थोड़ा सा ठिटका। रजत भाटिया के अगले ओवर में गेल ने 3 गेंदें खेली लेकिन केवल 1 ही रन बनाए। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिस अंदाज में आज गेल खेले थे उसने हर क्रिकेट प्रेमी को उनका मुरीद बना दिया था। अब उन्हें इससे मतलब नहीं था कि वो मैच केकेआर जीत रहा है या आरसीबी। उन्हें तो मतलब रह गया था बस गेल के शतक से। हर कोई गेल का शतक बनते हुए देखना चाहता था, लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा होने वाला था। अगला पूरा ओवर विराट कोहली खेल गए और गेल का स्कोर अब भी 98 रन ही बना रहा। 18वें ओवर में खत्म होने पर स्कोर था 1 विकेट पर 171। यानी फिलहाल दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर था। क्या गेल का शतक पूरा हो पाएगा? सबके दिमाग में बस यही चल रहा था, क्योंकि मैच तो कब का आरसीबी जीत ही चुकी थी। अगले ओवर के लिए गेंद शाकिब अल हसन के हाथों में थी। एक भी वाइड या नो बॉल गेल के शतक बनाने के इरादे पर पानी फेर सकती थी। शाकिब ने पहली गेंद फेंकी और गेल ने उसे कवर से ऊपर घुमा दिया। गेंद सनसनाती हुई सीमा रेखा को पार कर गई। गेल आईपीएल का अपना पहला शतक ठोक चुके थे। गेल ने 55 गेंदों में 10 चौकों और 7 धारदार छक्कों की मदद से 102 रन ठोके। अब गेल के चेहरे पर थी बड़ी मुस्कान और दिल में था गहराइयों तक उतरता हुआ सुकून। उसने अपना बल्ला हवा में उठा दिया, आसमान को निहारा और विराट कोहली को गले से लगा लिया। आखिरकार उसका बदला पूरा हो गया था। लेकिन फिर अचानक वो मुड़ा, मुस्कुराया और अपने पुराने साथी खिलाड़ियों से मिलने चल दिया। उसने अपने इस तूफानी पारी का जश्न केकेआर के पुराने साथियों को गले लगाकर मनाया।
यही तो है क्रिकेट, जिसमें भले ही बदला सामने वाली टीम से लिया जाता है लेकिन जीत का जश्न भी उसी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाकर मना लिया जाता है। उस दिन इस तूफान के लिए क्रिस गेल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।